नमस्कार किसान भाई, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूँ मोलेसिस के बारे में, जिसको आप सीरम भी बोलते हो, अलग अलग नाम से आप पहचानते हो या पिक्चर देख सकते हो, इसको हम मोलेसिस बोलते हैं। और इसको हम डिस्कस करेंगे कि कितना यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिस्कस करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करेंगे पैलेटेबिलिटी की, राइट। पैलेटेबिलिटी मतलब पशु को जो खा रहा है वो इजीली खा सके, राइट, मतलब उसको दिक्कत ना आए। अभी टीयर वर्ड में बहुत कुछ होता है, दाना होता है, हरा चारा होता है, भूसा होता है, तो कई बार पशु को ना जो टीयर वर्ड होता है बड़ा ड्राई हो जाता है, तो पशु को खाने में बड़ी समस्या आती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट अगर मोलेसिस साथ में ऐड हो जाए, सीरा साथ में ऐड हो जाए, तो जो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी है और खाने की जो मतलब एक लैंग्जाइटी इफेक्ट चाहिए वो ईजी हो जाता है और पशु आसानी से वो खा पाता है और उसको पचा पाता है, राइट। तो सेकंड पॉइंट हमारा आ गया अब NDF का। अब हमें पता है कि जब भी पशु कोई चारा खाता है इसमें फाइबर होता ही होता है, जो रेशेदार दाने होते हैं हरे चारे में या फीड में आ जाते हैं कई बार, उससे क्या होगा जो अच्छे वाले वोलेटाइल फैटी एसिड्स होंगे, जैसे एसिटेट, ब्यूटायरेट हुआ, प्रोपेनिक एसिड वगैरह हो गए, ये अच्छे से बनेंगे। अगर ये अच्छे से बनेंगे तो हमें पता ही है कि दूध का उत्पादन और दूध में फैट का उत्पादन बहुत अच्छा रहेगा। तो NDF को पचाने में NDF की डाइजेस्टिबिलिटी को बहुत इंपैक्ट करता है अगर हम मोलेसिस रिक्वायर्ड अमाउंट में मतलब अपने टीएमआर में डालते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट बात जो मैं कह रहे जा रहा हूँ वो है मिनरल्स की, राइट। मोलेसिस एक अच्छा न्यूट्रिशन फॉर्म करता है, इसमें अच्छे मिनरल्स होते हैं, अच्छे विटामिन होते हैं, अच्छा अमाइनो एसिड प्रोफाइल होता है। आप देख सकते हो चार्ट में कि इसमें जो रिक्वायर्ड अमाउंट के विटामिन और मिनरल्स और सर्टेन अमाइनो एसिड्स हैं वो अच्छे एक रिक्वायरमेंट में होते हैं, जो नॉर्मली पशु को जो मिनरल हम बाहर से सप्लीमेंट करते हैं वो सप्लीमेंट भी ये पूरा करेगा अगर हम मोलेसिस डाल दें, राइट। तो जो बाहर से सप्लीमेंट करने पड़ेंगे उसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगी अगर साथ में मोलेसिस वगैरह ऐड कर दें। नेक्स्ट जो समस्या आ रही है वो है कि नॉर्मली जो फार्मर्स होते हैं ना, उनको कई बार ये पर्टिकुलर समस्या आती है कि हमारे दूध में फैट नहीं आ रही, राइट। तो फैट को बनाने का जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स है ना वो है ब्यूटारेट, राइट। ब्यूटारेट बहुत अच्छी अमाउंट में बनता है अगर हम मोलेसिस में ऐड करें। ब्यूटारेट बढ़ेगा दूध में फैट का उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ ही जाएगा, राइट। सो मोलेसिस का बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है अगर दूध में हमें फैट बढ़ानी है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है एनर्जी की। अब हमें पता ही है कि मोलेसिस क्या है, शुगर केन से जो लेफ्ट ओवर से बना है, राइट। तो इसमें एनर्जी का लेवल तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हाई ही है, ये तो अंडरस्टूड ही है। अगर पशु आपको कई बार डाइट चाहिए होती है नियर ट्रांजिशन के पास या मतलब काविंग के बाद कई बार हाई एनर्जी डाइट चाहिए होती है, तो उसमें भी ये बहुत कारीगर है अगर हम मोलेसिस वगैरह ऐड करते हैं जब पशु को हाई एनर्जी डाइट चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार ना पशु खाने के टाइम पे दाना खाएगा, हरा खाएगा, भूसा नहीं खाएगा, राइट। अगर मोलेसिस साथ में होगा ना तो ये सॉर्टिंग आउट, पशु अलग अलग चॉइस नहीं कर पाएगा, कंप्लीटली खाएगा, राइट। तो सॉर्टिंग आउट को भी रिमूव करने के लिए मोलेसिस बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि अब हमें इसको कितना ऐड कर सकते हैं, राइट। जो वो रिसर्च पेपर्स में देखा गया है जो नॉर्मली जो फार्मर्स यूज कर रहे हैं वो है अराउंड जितना आपका ड्राई मैटर आ रहा है, राइट। मतलब मैंने आपको सिखाया है एक वीडियो में कि ड्राई मैटर कैसे निकालते हैं। ड्राई मैटर का 6-8% तक आप निश्चिंत रूप से यूज कर सकते हो मोलेसिस को अपनी डाइट में, राइट। सीजन के हिसाब से इनफैक्ट कई फार्मर्स 10% तक यूज कर सकते हैं सेफली, बट वो सीजन के हिसाब से नॉर्मल रूटीन के लेवल पे आप 6-8% आप यूज कर सकते हो सीरा को अपने डाइट में। नेक्स्ट अब बात करेंगे कि इसके और कैसे कैसे यूजेस होते हैं। सबसे पहला यूज जो मोस्ट कॉमनली अब यूज हो रहा है, जो यूनिवर्सिटीज बहुत बना रही है, जैसे यूरिया मोलेसिस मिनरल ब्लॉक्स ब्रिक्स आती है ना, राइट, उसमें भी मोलेसिस की बहुत अच्छी अमाउंट होती है। जो हम ईट जैसा होता है पशु के बंकर्स में रखते हैं, पशु चाटते रहे उसमें मोलेसिस अच्छा बड़ा होता है, ये क्योंकि ये ओवरऑल मिनरल सप्लाई करता है, लैंग्जाइटी इफेक्ट देता है, तो ये बहुत हेल्पफुल है। तो UMMB जो ब्रिक्स है इसमें भी मोलेसिस की अमाउंट काफ़ी अच्छी होती है। बात है कि कई पशु मेरे जो पालक हैं वो नॉर्मली जो साइलेज डलता है नॉर्मली चलता है मक्के का, लेकिन कई फार्मर्स के पास लेग्यूम्स जैसे कि बरसीम, राईग्रास बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो वो चाहते हैं कि हम इसका ही साइलेज डाल दें। तो अगर हम इसका साइलेज डालेंगे तो प्रोटीन की मात्रा बड़ी हो जाएगी और कार्बोहाइड्रेट का लेवल इंक्रीज करने के लिए हम इन साइलेज में मोलेसिस का एडिशन कर सकते हैं, राइट। सो मोलेसिस कैन बी एडेड जगर हम साइलेज बना रहे हैं लेग्यूम्स का, जैसे कि बरसिंग और राईग्रास हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि मोलेसिस को हम यूज कर सकते हैं जैसे पशु अभी ब्याने वाला है, मतलब पता है कि हाई एनर्जी डाइट चाहिए, तो उस केस में हम मोलेसिस ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब पशु ब्याह जाएगा, काविंग हो जाएगी, उसके बाद पशु को जैसी समस्याएं है ना कि टॉसिस आ गई, मिल्क फीवर आ गई,
ऐसी मतलब डेफिशिएंसीज नहीं आएगी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है काविंग के बाद पशु नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चले जाते हैं, और मोलेसेस अगर साथ में रहेंगे तो ये दिक्कत कभी आएगी नहीं, और पशु आपका मिल्क प्रोडक्शन में अच्छा बढ़ेगा, और एक नियंत्रण तौर पे जो मिल्क प्रोडक्शन होना चाहिए काविंग के बाद वो बना रहेगा, राइट। तो ये मेरी वीडियो थी आप सभी को मोलेसेस के बारे में बताने के लिए, क्योंकि मोस्टली कई कॉन्ट्रोवर्शियल था कि मोलेसेस यूज करें कि ना करें, तो मैंने आपको बता दिया कि यूज आप कर सकते हो विद द लिमिट्स, राइट। तो मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप मेरे हेल्पलाइन नंबर पे, मेरी मेल आईडी पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्कार।